भाई तुम दोनों हकी मानते फैसला करना का, मैं गलत हूँ तो बोलना गलत। तुम तो वीडियो बना लो। आज कवि लोग आरजे कैटल के नाम। तो ये सफर दोस्तों कुछ यूं शुरू हुआ कि रात के 9 बजे हमारा प्रोग्राम बना, और फिर क्या हो रहा था, हम चल दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। दोस्तों आज हम आए हुए हैं आरजे कैटल फार्म पे। ये ओनर है आरजे कैटल फार्म की, जुनैद भाई, और ये दिशान भाई बैठे हुए, उसामा भाई लेके आया मैं यहाँ पर। शुरू करते हैं दोस्तों पहले बड़े बछड़ों से। ये देखें फुल प्रिंटेड माल माशाल्लाह से भरपूर नाफ जालर में, और ये गुलाई देखें इसके पीछे की माशाल्लाह। कैमरे में आपको जो है वो हो सकता है कि छोटे दिख रहे हो जानवर, लेकिन ये लाइव देखने में बहुत ही बड़े माशाल्लाह से जानवर हैं। और मज़े की बात ये कि इनकी जो पलाई हुई है बिल्कुल जो है वो नेचुरल फीड के ऊपर पले बछड़े हैं। कोई इसमें जो है वो एस्ट्रॉइड वगैरह, हार्मोन इंजेक्शन वगैरह कोई इसमें शामिल नहीं है माशाल्लाह। ये देखें बैग चेक करें इसका माशाल्लाह। और बाकी तमाम तर बछड़े जो है वो फॉर सेल हैं। और आरजे कैटल फार्म के हवाले से मैं ये आपको कहना चाहूँगा, इनका जो माल है वो नहायत ही एज़ कम्पेयर टू मार्केट नहायत ही मुनासिब प्राइस में जो है वो अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। ये बछड़ा चेक करें माशाल्लाह से, दोनों तरफ चश्मा इसकी आँखों के ऊपर, विलायती क्रॉस बच्चा। ये देखें माशाल्लाह, गुराई चेक करें, बनाव चेक करें, कमर चेक करें इसकी। और माशाल्लाह इस बछड़े की तो बात ही अलग है, पिंक नोज़ और इतना वेट लेके खड़ा हुआ है नाफ झालर, देखें माशाल्लाह से हर पॉइंट में भरपूर। बाकी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में जुनैद भाई का नंबर जो है मेंशन कर दूंगा, जिसने भी इस माल की जो है वो प्राइस वगैरह मालूमात करनी है या फार्म की लोकेशन। तो मैं खैर बता देता हूँ, जमील मेमन सोसाइटी में जो है इनका फार्म है, और आप किसी भी टाइम जो है विज़िट कर सकते हैं इनको कांटेक्ट करके। और इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि तमाम तर बछड़े तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, हर कैटेगरी का हर वेट के अंदर जो है इनके पास माल अवेलेबल है और नहायत मुनासिब रेट के ऊपर अवेलेबल है। आपको नंबर जो दे रहा हूँ मैं वो व्हाट्सएप पर भी हैं अवेलेबल, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं प्राइस वगैरह की मालूमात के लिए, और इंशाल्लाह ये आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। और बाकी चलें नेक्स्ट बछड़े के ऊपर चलते हैं। और दोस्तों अब बारी है बब्बर शेर की। ये बब्बर शेर नाम मैंने खुद दिया इसको इसकी झालर की वजह से। इसकी झालर देखें और इसकी चाल देखें माशाल्लाह, साहेवाल और चौलिस्तानी का जहाँ तक मेरा अंदाज़ है वो एक क्रॉस है। और वेट इसका माशाल्लाह माशाल्लाह भरपूर वेट है। कैमरे में आपको हमेशा जो जानवर है वो 17, अगर 20 होता है तो 17 दिखता है। ये जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह कम से कम भी जो है वो मैंने मालूम किया था जो कि ओनर है, कम से कम भी अभी जो है वो 18 मन के ऊपर खड़ा हुआ है लाइफ वेट में। तो आप अंदाज़ा लगा लें ये कितना भारी होगा ये जानवर। गुलाई चेक करें, बनाव चेक करें माशाल्लाह से, और फेस की तो बात ही अलग है इसकी माशाल्लाह। माथे के ऊपर पान देखें कितना हसीन बना हुआ है इसके ऊपर। चले जी अब तो बारी है लड्डू की। ये लड्डू मैंने खुद इसको नाम दिया है, और आपको पता चल रहा होगा कि लड्डू क्यों कह रहा हूँ मैं इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह ब्राह्मण बछड़ा, और
काफ़ी वेट में है ये बछड़ा भी माशाल्लाह से। अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ वो तमाम तर इनके बड़े बछड़े दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो है नॉर्मल कैटेगरी में भी दिखाऊंगा, और जो मेरी फेवरेट जोड़ी है उसको मैं एंड में दिखाऊंगा, एंड में रखा हुआ है मैंने उसको दिखाने के लिए। वो दोनों एक जैसे बछड़े हैं बिल्कुल, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी आप लड्डू को हर एंगल से देख लें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ इस बछड़े का भी, और वेट में भरपूर है, और बैग भी चेक कर लें इसकी। और अब चलते हैं नेक्स्ट बछड़े की तरफ। तो अब बारी है लाल नुकरे की, माशाल्लाह थोड़ा सा वैरायटी क्रॉस में है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही हसीन बछड़ा ही है। और झालर वगैरह आप देखें, इसकी गर्दन का साइज़ देखें माशाल्लाह से, बनाओ चेक करें हर एंगल से देखें माशाल्लाह। और जो मैंने आपको बात पहले बताई कि आरजे कैटल फार्म की जो प्राइस है वो मुझे मार्केट के हवाले से जो है वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट काफ़ी जो है मुनासिब लगी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पहले आइए पहले पाइए। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट बछड़े की तरफ। दोस्तों इस नस्ल की तो बात ही कुछ और है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब भी कोई शौकीन बात करता है तो वो साहिवाल के ऊपर ज़रूर बात करता है। इस नस्ल की खासियत यह है कि ये अपने में ही भरपूर है। कलर देखें माशाल्लाह से, इसके कलर की शाइनिंग चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका साथ साथ मैंने कहा क्यों ना चॉकलेट के साथ कुछ वनीला भी हो जाए, तो मैंने खुलवाया चौलिस्तानी नुकरा, माशाल्लाह क्या भरपूर बछड़े थे दोनों। ये दोनों इस फार्म की जो है जान थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, और जिसके नसीब में इसकी कुर्बानी लिखी है अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। तो दोस्तों वीडियो को लंबा किए बगैर मज़ीद जानवर मैं आपको दिखा दूँ, इनके थोड़ा थोड़ा जल्दी मैं दिखाता हूँ आपको जानवर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। बाकी जो जानवर मेरे दिल को भाया उसके ऊपर ज़रूर मैं अपने कमेंट्स दूँगा। बाकी देखें जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये जानवर देखें माशाल्लाह से, सिर्फ और सिर्फ अभी एक साल का है, और जब ये अपने बनाव के ऊपर आएगा, पिक के ऊपर आएगा, तो आपको मालूम ही होगा कि क्या बनेगा माशाल्लाह। जो इस फार्म पे बछड़े पसंद आया मुझे उनमें से एक ये बछड़ा भी था, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अभी खीरा था, लेकिन इसका बनाव और झालर नाफ वगैरह अभी से इतनी थी कि ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये अपने पीक पे जब जाएगा तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको सेहत दे, बहुत ही हसीन बनेगा ये बड़ा होके। बाकी ये चेक करें, ओए होए ओए होए ओए होए। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मिस्टर शार्ले नटखट। शार्ले जो है इसकी ब्रीड है, और नटखट इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मस्ती है इस बछड़े के अंदर माशाल्लाह से। ये एंड में जाते जाते भी जो है वो लाते मारता मारता गया ये, और ये वो कहते हैं ना फुल फंटर बछड़ा, बकरीद की रौनक जो होती है गली की वो बछड़ा ही है। और ये जोड़ी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अलग ही क्लास है जोड़ी की। एक इसमें बछिया है और एक इसमें बछड़ा है। कलर देखें माशाल्लाह से, इनके पैर देखें, दोनों के पैरों के ऊपर जो है मोज़े बने हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही हसीन जोड़ी है। शौकीनों के लिए यकीन जाने तोहफा है एक किस्म का। बॉडी के ऊपर इनकी शाइन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब मेहनत की हुई है जुनेद भाई ने अपने माल के ऊपर। और सारे के सारे बछड़ा बछड़ी जितने भी इनके अवेलेबल हैं फार्म के ऊपर, तमाम तर जो है बहुत ही एक्टिव है माशाल्लाह से। तो दोस्तों अब बारी है उस पांडा जोड़ी की जो कि मेरे दिल को भा गई, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हुस्न था इनका। और अभी मज़े की बात ये थी कि ये खीरे थे दोनों, और दोनों ही बछड़े थे। तो इसी जोड़ी के साथ दोस्तों अब जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम तर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
Thank you.